नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और न्यूज वर्ल्ड इंडिया के परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल 2023 की शुरुआत हो गई है। नए साल में लोगों के जीवन में कौन कौन सी खुशियां आने वाली है और किस चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नए साल का पहला महीना कुछ जातकों के लिए काफ़ी शानदार रहेगा, जबकि कुछ लोगों के लिए इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं नए साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। नए साल का पहला महीना मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ फल देने वाला साबित होगा। इस महीने अगर आप किसी नई चीज की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आप अपने साथी के प्रति आकर्षित होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। करियर के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। इस महीने आप अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉपर्टी कमा सकते हैं। काम के अधिक दबाव व तनाव की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वहीं मेष के बाद वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि वालों के लिए साल का पहला महीना मिला जुला साबित होगा। इस महीने में खुद पर काबू रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप संयम बरतें। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। इस महीने धन का प्रभाव अच्छा रहेगा। आप किसी नई संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं। यह महीना आपकी आय में वृद्धि कर सकता है। स्वास्थ्य में लिहाज से यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में जरूरत है तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और इस दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन में झगड़े और साथ ही गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे माहौल चिड़चिड़ासा तनावपूर्ण भी हो सकता है। इस दौरान आपको खर्च का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले दो बार जरूर सोच लें। और बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए साल का पहला महीना अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको यात्रा करने में कई अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और ये भी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करेंगे। इस महीने नौकरी पेशा जातकों के संबंध वरिष्ठों से साथ खराब हो सकते हैं। इस दौरान आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से स्वयं को मुक्त पाएंगे और इस दौरान शादीशुदा जातक कोशिश करें कि अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके और माहौल को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को साल के पहले महीने में आपके निजी जीवन और साथी करियर पर ध्यान देना होगा। सुखद परिणाम के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होगा। इस महीने आपको अपने काम और लव लाइफ को मैनेज करना होगा। करियर के क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। इस दौरान सहयोगियों को आपसे जलन महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। मौसम बदलने की वजह से हल्की खांसी, जुकाम और सर्दी हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि के जातकों को इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो जातक जीवन साथी की तलाश में है, जनवरी के महीने में उनकी यह तलाश पूरी होगी। और अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों को साल के पहले महीने में अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे। वरिष्ठों के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी विवाद में ना पड़े और संयम से काम लें। किसी भी निवेश में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस महीने आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन में इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पत्नी से भी वाद विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। और अब सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए साल का पहला महीना मिला जुला रहेगा। करियर कारोबार में बड़ी अड़चन दूर होगी। कारोबारियों के लिए यह महीना अच्छा साबित होगा। इस दौरान नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी सेहत का खास ख्याल रखें। इस महीने आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। वाहन चलाते समय सावधान बरतें। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपका प्रेम गहरा होगा। और अब बात करेंगे तुला राशि की।
तुला राशि वाले साल के पहले महीने में किसी तरह के कोई रिस्क ना लें। करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, हालांकि सोच समझकर खर्च करें वरना आपका बजट खराब हो सकता है। इस महीने अपने परिवार वालों की सेहत का खास ख्याल रखें, बाहर की चीजों का सेवन ना करें। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अच्छा और बुरा दोनों तरह रहेगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में आपको खुशियों का अनुभव होगा। और अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने आपकी अकल और विवेक को सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। इस महीने आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। खुद के बिजनेस कर रहे लोग इस दौरान कोई बड़ा निवेश करने से बचे। इस समय आपके खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। नया बिजनेस करने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिट रहने के लिए खान पान का ख्याल रखें। गर्भवती महिलाएं इस दौरान खास सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, हालांकि आप इन मुद्दों को हल कर लेंगे। पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा। इस दौरान अत्यधिक खर्च से बचें। अब बात करते हैं धनु राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र में चीजों को समय दें और धैर्य रखें। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस महीने आपको सफलता मिलेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। खर्च पर नियंत्रण रखें वरना आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी को भी कर्ज ना दें। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो महीने के दूसरे भाग में करें। लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो लोगों को इस दौरान राहत मिलेगी। इस दौरान खुद को ऊर्जा से भरपूर और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं ताकि गलत फहमी दूर हो सके। पार्टनर के साथ अपनी गलत फहमी को शेयर करें और इस पूरे महीने एक सुखी पारिवारिक माहौल का अनुभव आप करेंगे। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए यह महीना शानदार साबित होगा। इस समय आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। अपनी योग्यता और रचनात्मक से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से वाद विवाद हो सकता है। इस महीने आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और कमाई के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। शादी के बंधन में बंधने के लिए यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। जाने अनजाने में पार्टनर को दुख पहुंचा सकते हैं। परिवार के सुखी और शांत वातावरण का आनंद उठाए। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना हर क्षेत्र में बेहतरीन साबित होगा। करियर के क्षेत्र में कुंभ राशि वाले लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावना है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। आमदनी के साथ अपने खर्च में अचानक वृद्धि होगी। सोच समझकर पैसा को खर्च करें। इस महीने प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस महीने आपको राहत मिलेगी। माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय काफ़ी फलदायी साबित होगा। अगर आप लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में है तो यह महीना आपके संबंध अपने पार्टनर के साथ कुछ बदले हुए नजर आएंगे। आपको इस महीने थोड़ी बहुत प्रेम संबंधी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे और भरपूर आनंद लेंगे। और अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए यह महीना हर क्षेत्र में शानदार रहने वाला है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में धैर्य रखें और किसी भी काम के लिए जल्दबाजी ना करें। इस महीने किसी भी तरह की कोई संपत्ति व वाहन ना खरीदें क्योंकि इसके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। जमीन और घर में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान बाहर का खाना ना खाएं और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पूजा पाठ और सत्संग करें, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन मामले में यह महीना आपको मिला जुला परिणाम देगा। निजी जीवन सुखद रहेगा, लेकिन इससे साथ साथ कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आप इस दौरान ज्यादा व्यस्त रहेंगे। संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ रहें।
बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।